तो आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गोल्ड का टेस्टिंग कैसे करते हैं एज पर IS-158 एज पर IS-1418 2009। तो गाइस गोल्ड की टेस्टिंग करने से पहले हम क्या गोल्ड का सैंपल लेते हैं डुप्लीकेट में 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम के आज लेते हैं। तो अगर हम चेक गोल्ड क्या है 150 का लेते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं चेक गोल्ड लेते हैं। चेक गोल्ड का वेट अगर सपोज करो हमने 150 ग्राम मिलीग्राम ले लिया, तो 150 ग्राम के लिए अगर हम 916 का सैंपल लगाते हैं तो 150 मल्टीप्लाइड बाई प्योरिटी ऑफ गोल्ड डिवाइड बाई 1000 करके हम ये वेट ऑफ एलॉय कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भी हमारा अगर हमने चेक गोल्ड ले लिया हमने 150 मिलीग्राम का, तो हमारा एलॉय का सैंपल आएगा 163 के आसपास। तो 163 का सैंपल हम लेंगे माइक्रो बैलेंस पे वे करेंगे। वे करने के बाद हम क्या करेंगे उसकी स्ट्रिप वे करने के बाद हम उसमें क्या सिल्वर ऐड करेंगे। सिल्वर कितना ऐड करेंगे सैंपल वेट मल्टीप्लाई बाय 2.3 मल्टीप्लाई बाय प्योरिटी ऑफ गोल्ड, ये हम करके उसमें सिल्वर ऐड करेंगे सैंपल में। सैंपल में सिल्वर ऐड करने के बाद हम क्या चेक गोल्ड में कॉपर ऐड करेंगे। कॉपर को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे वो सारे सैंपल को क्या हम क्या लेड फॉइल में लेंगे। अगर हमारे सैंपल का वेट क्या है 200 मिलीग्राम से नीचे है तो हम क्या लेड का वेट लेंगे 4.5 ग्राम। अगर हमारे सैंपल का वेट 4.5 ग्राम से 200 मिलीग्राम से ज़्यादा तो 4.5 ग्राम से ज़्यादा का लेड यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या उसका बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद हम क्या करेंगे क्यूपल लेंगे। क्यूपल को क्या करेंगे प्री हीट करेंगे क्यूबलेशन फर्नेस में 10 मिनट के लिए। फिर 10 मिनट के बाद हम क्या उसमें क्या सैंपल को सिक्वेंस वाइज डालेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 25 मिनट का वेट करेंगे। इसके बाद हम अपने क्यूबलेशन फर्नेस को 5 मिनट पहले 25 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे। इसके बाद 5 मिनट वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम क्यूबल को निकाल लेंगे तो हमारी ब्राइट स्पीड्स बन जाएंगी। फिर ब्राइट स्पीड्स को क्या करेंगे हम हैमर करेंगे। हैमर करने से क्या हमारी बटन बन जाएगी। फिर बटन को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे उसको एनीलिंग करेंगे एनीलिंग फर्नेस में। एनीलिंग का टेम्परेचर होगा 750 डिग्री सेल्सियस 700 से 750 डिग्री सेल्सियस में हम उसको एनीलिंग कर लेंगे। एनीलिंग करने के बाद निकालेंगे तो उसकी बनाएंगे स्ट्रिप्स। स्ट्रिप का थिकनेस हमारा होना चाहिए 0.12 मिलीमीटर से 0.15 मिलीमीटर के बीच में। अगर एक स्ट्रिप हम बनाते हैं तो 0.15 का, तो दूसरी भी स्ट्रिप हम क्या बनाएंगे 0.15 का ही बनाएंगे। तो जितना अगर हमारी स्ट्रिप की होमोजेनिटी रहेगी उतना भी हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे स्ट्रिप की एनिलिंग करेंगे। स्ट्रिप की एनिलिंग भी 5 मिनट के लिए करते हैं 700 से 750 डिग्री सेल्सियस पे। स्ट्रिप की एनिलिंग हो जाने के बाद हम क्या करेंगे स्ट्रिप को निकालेंगे। उसको स्ट्रिप को रोल करेंगे गंदी साइड बाहर की तरफ और क्लीन साइड अंदर की तरफ। इसके बाद हम क्या करेंगे रोल करके उसको पार्टिंग ट्रे में रख लेंगे। हमारे पास पार्टिंग ट्रे होती है, पार्टिंग ट्रे में रख लेंगे। पार्टिंग ट्रे में रखने के बाद हम क्या है नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे। हमारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है उसका क्या पार्टिंग वन बनाएंगे। पार्टिंग वन का कंसंट्रेट बनाने के लिए अगर हमने 500 ml नाइट्रिक एसिड बनाना है तो हमें क्या लेना होगा 300 ml डिस्टिल वाटर लेना होगा पार्टिंग वन बनाने के लिए, और 200 ml नाइट्रिक एसिड वो मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके हम बना लेते हैं। फिर पार्टिंग एसिड वन को क्या हॉट प्लेट पे रखते हैं गर्म करने के लिए 92 से 95 डिग्री सेल्सियस पे। जब पार्टिंग एसिड गर्म हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं उसमें अपना सैंपल डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या है 15 मिनट तक वेट करते हैं, सारी नाइट्रस फ्यूम निकल जाती है। तो फिर हम पार्टिंग एसिड टू बनाते हैं। पार्टिंग टू बनाने के लिए हम क्या है 300 ml नाइट्रिक एसिड लेते हैं, 200 ml डिस्टिल वाटर लेते हैं। तो हमारा पार्टिंग एसिड वन बन जाता है 1.3 स्पेसिफिक ग्रेविटी का। फिर उसको हम हॉट प्लेट पे हीट करते हैं। जब टेम्परेचर 92 से 95 आता है तो हम पार्टिंग वन के बाद करने के बाद हम पार्टिंग टू में डाल देते हैं। इसके बाद हम 15 मिनट तक वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमारा सैंपल आ जाता है, उसको हम हॉट प्लेट पे ड्राई करते हैं और ट्रे में ट्रे को डायरेक्टली। फिर उसको ट्रे को हम एनीलिंग करते हैं एनीलिंग फर्नेस में 700 से 750 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके बाद हमारा गोल्ड गोल्ड के फॉर्म में आ जाता है। फिर इसके बाद हम क्या है माइक्रो बैलेंस पे दोबारा वेट करते हैं जो कॉर्नेट का वेट आता है। फिर हमें उसकी कैलकुलेशन करते हैं। प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू इक्वल टू होता है M2/M1 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस माइनस डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालते हैं इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड माइनस कॉर्नेट ऑफ वेट ऑफ चेक गोल्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ चेक गोल्ड सैंपल टेकन
और गोल्ड की प्योरिटी कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम टू अपन एम वन प्लस माइनस डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड। इस तरह से हम प्योरिटी निकाल लेते हैं। तो हमारे गोल्ड की टेस्टिंग का ये कम्प्लीट प्रोसेस था। आज हम अपनी अगली वीडियो में आज हम रेसिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर गोल्ड की वीडियो बनाएंगे और गोल्ड को मेल्टिंग कैसे करते हैं। तो गाइज हमारी अगली वीडियो का आने का वेट करिए। तो अगर ये वीडियो गाइज आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।